पुलिस हवलदार का आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों के साथ हो रहे विवाद के दरमियान हवलदार पर चाकू से वार किए जाने का मामला बुधवार की रात 9 बजे सामने आया। यह घटना कन्हान थाना परिसर के तारसा जाने वाले मार्ग पर कहुहिवरा चौक में हुई है। घटनास्थल से महज 200 मीटर की दूरी पर डीवाईएसपी सज्जन पुजलवार का कार्यालय है। बताया जा रहा है कि मंगलवार को पारचूनी पुलिस ने आरोपी कमलेश मेशराम की रेत से भरी गाड़ी पकड़ी थी और इस मामले के बाद हवलदार रवि चौधरी ने कमलेश मेशराम के छोटे भाई नितेश को पकड़ कर थाने ले आए थे। थाने लाने के बाद हवलदार रवि ने नितेश को पीटा और गाली गलौज करने के बाद उस पर प्रतिबंधक कार्रवाई कर रात भर लॉकअप में रखा था। लॉकअप से बाहर आने के बाद नितेश ने पूरी आपबीती कमलेश को बताई, इससे कमलेश काफी आहत था। बताया जा रहा है कि नितेश ने हवलदार रवि चौधरी के खिलाफ पुलिस कंप्लेन करना चाहा था, लेकिन थाने में कुछ लोगों ने हवलदार का ही पक्ष लिया। हवलदार चौधरी कामठी तहसील के खसाला ग्राम के रहने वाले हैं। बेवजह नितेश को पकड़कर हवलदार रवि ने पिटा, इससे कमलेश क्रोधित था। घटना के रात गौहूरा चौक में साथीदारों के साथ खड़े कमलेश के पास हवलदार रवि पहुंचा। बताया जा रहा है कि रवि नशे में था। अवैध धंधे और पैसे को लेकर रवि ने कमलेश को गाली गलौज की। वहां परिसर में मौजूद लोग ये वाकया देख रहे थे। अचानक कमलेश और उसके साथीदारों ने चाकू निकाल कर रवि के पीठ और पेट पर भी कई वार किए। जो गुनहगार है, जिसने चाकू मारा है हमारे कर्मचारी को, उसने धोखे से इसको बुलाकर वहाँ पर पेट में चाकू मारा है। फिलहाल उसका ऑपरेशन वगैरह हो गया, सो है, पेशेंट स्टेबल है। अभी आरोपी फरार है, उसको टीम्स लगाए हुए हैं और शाम तक वो गिरफ्तार हो जाएगा। पूरे जो भी जितने भी एक्शन कर सकते उतने पूरे एक्शन लिए जाएंगे। उसको पूरा रिकॉर्ड निकाला गया है, पूरा उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई पूरी तरह से हो जाएगी। रवि के धराशायी होने के बाद आरोपी फरार हो गए। घायल अवस्था में रवि को कन्हान के स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, वहां से कामठी के निजी अस्पताल में भेजा गया है। हालत गंभीर होने से डॉक्टर ने हवलदार चौधरी को नागपुर के निजी अस्पताल में रेफर किया। कन्हान के थानेदार के साथ अवैध धंधों में लिप्त लोगों के साथ डायरेक्ट कनेक्शन होने से निचले कर्मचारियों की अवैध धंधों से मिलने वाली आवक बंद हो गई है। ऐसे भी कन्हान थाने के कुछ कर्मचारी नाराज है, रवि चौधरी के साथ भी इस तरह का व्यवहार हो रहा था। पुलिस ने कमलेश और उसके साथीदारों के खिलाफ हत्या के प्रयास का मामला दर्ज कर लिया है। नागपुर ग्रामीण पुलिस अधीक्षक ने कन्हान थाने पहुंचकर मुआयना किया है। कन्हान से इनबीसीएन न्यूज के लिए अरुण महाजन की रिपोर्ट।